Hello students, myself Kumari Arshna, I am your Sanskrit teacher. Welcome to class 6. Class 5 में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में है या नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोग को पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य दे रही हूँ. बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज क्वेश्चंस. लिसन केयरफुली. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि कुरु. इन सभी प्रश्नों का आप उत्तर दो. ये सारे के सारे क्वेश्चन केवल ग्रामर पोर्शन के हैं. आप लोगों के दिमाग में ग्रामर है या नहीं है मैं बस जानने के लिए इन सब सारे क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए दी हूँ. तो आप अच्छे से इसको देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, और मैंने सारा क्वेश्चन क्लास 5 में डिस्कस किया है, तो उम्मीद करूँगी कि आप बना के इसको दिखाएंगे. उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, वर्ण संयोज लिखत, यानी वर्ण को जोड़ करके क्या वर्ड बनेगा वो यहाँ लिखते जाना है फिल इन द ब्लैंक्स में. क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ण विन्यासम कुरु, यानी इसको ब्रेक करना है, अलग अलग करके सभी वर्ण को लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे आप लोग कारक विभक्ति च निर्णय कुरु. यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, सबका कारक बताना है और विभक्ति बताना है. वैसे आपका सिलेबस कारक से ही स्टार्ट होगा, फिर भी मैं थोड़ा जनरल आइडिया के लिए ये क्वेश्चन दे दी हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि कुछ याद है पीछे का या नहीं. और नीचे भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको लिंग डिसाइड करना है, कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है. तो वर्ण विन्यास करने के बाद हम लोग को तो आइडिया हो गया है कि क्या स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है, तो ये क्वेश्चन सबसे बन जाना चाहिए. और ये देखिए 5 के बाद 6 नंबर, 6 इरेज हो गया है, आप लोग अपना से इसको सीरियल नंबर डाल देंगे. मानव शरीर से पंच अंग संस्कृत लिखा, यानी मानव शरीर का पांच अंग का नाम लिखना है. हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में मस्तक, सिर, नासिका, ये सब इसमें लिखेंगे आप लोग. और क्वेश्चन नंबर 7 है पंच पुष्पानी नामानी संस्कृत लिखत, यानी पांच फूलों का नाम संस्कृत में लिखेंगे आप लोग को. वो भी पढ़ाया गया है शेफालिका, हरसिंगार, रजनीगंधा, ये सब के सब क्या है पुष्प का नाम है संस्कृत में. तो मैं उम्मीद करूंगी कि इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अपने कॉपी में लिखें और इसका सही सही जवाब दें. थैंक यू. अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो इन सबका जवाब मैं आपको भेज दूंगी, लेकिन पहले आप लोग इसको बनाओगे उसके बाद मैं इसका आंसर भी डिस्कस कर दूँगी.